अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी तो आज मैं आपके साथ पेश हुई हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन की यखनी। तो चिकन की यखनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने देसी चिकन ली है 1.5 किलो, 1 टीस्पून नमक लिया है, इस पे ज़रूरत हल्दी ली है, एक चुटकी भी कह सकते हैं, 6 से 7 लौंग लिए, मोटी इलायची 2 अदद इलायची लिए, अदरक लिए, 5 से 6 लहसुन लिए, 1 अदद प्याज लिए जिसको 4 टुकड़ों में मैंने कट कर दिया, काली मिर्च लिए 1 टेबल स्पून और 1.5 किलो मैंने पानी लिया। यखनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने देचकी में डाल देना है पानी को। इसके अंदर मैं डाल दूंगी चिकन, इसको मैंने ऐसे हिला के और ढक्कन से बंद कर देना है। अब इसको जब अच्छी तरह से बॉयल आ जाएगा उसके बाद मैंने इसके अंदर ये चीज़ें सारी ऐड कर देंगी। जी चिकन अब हमारी अच्छे से बॉयल हो चुकी है, अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कटी हुई प्याज, लहसुन, अदरक, मोटी इलायची, लौंग, दालचीनी, हल्दी। सर्दियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सूप है, खासकर बच्चों के लिए। नमक ऐड कर दिया, अब इसको मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए तेज़ आंच पर पकने के लिए रख दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह अब सूप रेडी हो चुका है, अब मैं इसके ऊपर काली मिर्च जो रखी हुई थी वो ऐड कर लूँगी। आप भी अपने घर में बनाएं और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।